तो सामाजिक न्याय जो है सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे के तौर पे अभी हमारे सामने है। अब आप गौर कीजिए उसके साथ साथ ये जो दक्षिण भारत है वहां तमिलनाडु जो है और डीएमके स्टालिन जो है जिसके नेता है अभी, सामाजिक न्याय पे लगातार उन लोगों ने काम किया है। और एक ऐसी जगह है जहां बीजेपी को खड़ा होने में बहुत मुश्किल है। फिर दूसरा प्रदेश आइए आप बिहार आते हैं तो बिहार में भी देखिए सामाजिक न्याय की ही बात चल रही है लंबे समय से। जातीय जनगणना पहली बार वहां शुरू हुई है और वो सामाजिक न्याय के तहत ही है। तो कांग्रेस पार्टी जिस एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती है, और मैं कहूं कि इन दोनों से पहले मतलब ये गठबंधन की बात चल रही है इससे पहले भी अगर आप गौर कीजिए पिछला जो यूपीए का काल रहा, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, मनरेगा, ये सब सामाजिक न्याय को ध्यान में रख करके ही किया गया। और अभी राजस्थान में जो राइट टू हेल्थ लाया गया है उसमें भी सामाजिक न्याय का पहलू है कि भाई सब लोगों को, गरीब से गरीब लोगों को भी सही इलाज मिले। और यहाँ पे अब राजस्थान में मैं देख रहा हूँ कि सिलेंडर के दाम जो है 550 रुपये के करीब है, उनको सब्सिडी दी जाती है राज्य सरकार के द्वारा। 1100 उस समय तो भरना है लेकिन बाद में उनके पास सब्सिडी के पैसे आ जाते हैं। राजस्थान के लोग इस बात से भाई मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत खुश है। तो जो सामाजिक न्याय का मसला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखिए कि ये दोनों नेता, मैं आपके प्रोग्राम में लगातार ये बोलता रहा हूं कि अगले चुनाव में महाराष्ट्र, बिहार और तमिलनाडु बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इन तीनों प्रदेशों के लोगों ने या नेताओं ने साथ दिया है राहुल गांधी के साथ आके खड़े हो गए। जैसे जब उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के से अलग होकर के सरकार बनाई महाविकास आघाड़ी में शामिल होकर के, तो बीजेपी को बड़ा झटका लगा उस बात से। और हिंदू वोट पे जो दावेदारी रहती रही कि हिंदू वोट सिर्फ हम ही बात करेंगे, तो एक बीजेपी शिवसेना ने उस पे छेद किया, उसमें एक टुकड़े किए। और आज महाराष्ट्र में देखिए कि सारे हिंदू वोट अगर कहें कि बीजेपी के साथ है तो वो नहीं कहा जा सकता है। सेम आप जाइए, आप बिहार जब जाते हैं तो बिहार में जितने दिन नीतीश जी साथ रहे बीजेपी ने लगातार कोशिश की कि पटरी पे से बिगाड़ा जाए, उतारा जाए एक सरकार को और हिंदू मुसलमान में बांटा जाए, लेकिन नीतीश कुमार ने लगातार हिंदू मुसलमान को आने नहीं दिया। अभी देखिए दंगा हो गया, इतना भयानक दंगा कराने की कोशिश की गई, हालांकि उतना भयानक हो नहीं पाया। जरूर मस्जिद में आग लगाई, अजीजिया जो मदरसा है उसको जला दिया गया, कुछ लोगों की गाड़ियां जलाई गई, दुकानें जलाई गई, लेकिन हिंसा एक कहिए कि अच्छी बात यह रही कि उस तरह से नहीं हुई और प्रशासन ने उसको कंट्रोल कर लिया बहुत जल्दी। वहां कर्फ्यू भी नहीं लगाना पड़ा और 144 से काम चल गया। तो सब लोग, जबकि वो हाँ उस समय खुद गए हुए थे, जो गृह मंत्री है उसके बगल वहां से 20-22 किलोमीटर दूर जो है हिसुआ है और वहां जाकर के वो सभा संबोधित कर रहे हैं रैली को और कह रहे हैं कि हमने राम मंदिर बनाया, हमने 370 खत्म किया, यानी सांप्रदायिक सद्भाव को बनाने वाला माहौल नहीं क्रिएट करना चाह रहे हैं। जो सांप्रदायिक आग लगी उसको बुझाने का काम उन्होंने नहीं किया बल्कि उस पर और किरासन तेल डालने का काम किया कि वो 40 की 40 सीटें हमको चाहिए। और जो पसमांदा मुसलमान की बात कर रहे थे, पसमांदा मुसलमान की तो बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि इस देश में 80-90% जो मुस्लिम है वो पसमांदा मुसलमान ही है और सबसे ज्यादा पीड़ित है, गरीब है वो, तो उनकी बात ये कब करते हैं। उन लोगों को तो छांट दिया इन्होंने। और ईडब्ल्यूएस जो लेकर के आए हैं कि ईडब्ल्यूएस में मुसलमानों को भी शामिल किया है, अब बताइए कि ईडब्ल्यूएस में कितने मुसलमान आएंगे। हम जान रहे हैं इस बात को कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब या पिछड़ों को इतना आरक्षण दिया गया है, बावजूद इसके ऊंची नौकरियों में उनको जब भाईवा होता है, जब इंटरव्यू उनका होता है तो उनको छांट दिया जाता है, उनको तरह तरह से परेशान किया जाता है। और आरक्षण जिस वजह से लाया गया था वो फलीभूत नहीं हो पा रहा है। अक्सर ये चर्चा निकलती है कि वो चाहे कोर्ट हो या जो यूनिवर्सिटीज हो या जो बड़े पद हैं IAS IPS हैं, उनमें कितने पिछड़े वर्ग हैं, कितने शेड्यूल कास्ट हैं, कितने शेड्यूल ट्राइब हैं। और बीजेपी लगातार वो कोशिश करती है कि जो पैसे वाले लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जो सवर्ण हैं, जिनको जो पहले से साधन संपन्न है वही आगे आए। इसलिए वैसा कोई रोज काम लेकर के नहीं आते हैं जहां गरीब आदमी या निचली जाति के लोग या पिछड़े लोग जो है तरक्की कर सके। अब मनरेगा में देखिए इन्होंने बजट कम कर दिया, शिक्षा में देखिए बजट कर दिया कम, स्वास्थ्य में बजट कम कर दिया, हर जगह यूनिवर्सिटी में पैसे बढ़ा दिए, फीस बढ़ा दी। तो ये सारी जो चीजें की है उससे पिछड़े वर्ग में एक हताशा की स्थिति है और पिछड़ा वर्ग परेशान है। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि जब हिंदूवाद लेकर के आते हैं बीजेपी के लोग तो वो पिछड़े खड़े हो जाते हैं। और उत्तर प्रदेश में देखिए कि केशव मौर्य जिस तरह से उनको जिताने का काम किया, उसकी वजह से एक रहता है कि पिछड़े वर्गों को लगता है कि सबसे पहले हमको हिंदू होना जरूरी है, क्योंकि वो ज्यादातर अशिक्षित लोग हैं, उनको लगता है जो जो भरा जाता है वो
बोलने लगते हैं वो। लेकिन मुझे लगता है कि पिछड़े वर्ग के जो नेता है, और जिस तरह से राहुल गांधी ने लगातार इस पे काम किया है, जो जो पदयात्रा की है, और जो कांग्रेस के नेता इस बार जो जमा हुए उनमें जो एनर्जी आई है, और साथ ही साथ मैं बोलूं कि राहुल गांधी को जब लगातार बोलते रहे ईडी सीबीआई ने उनके खिलाफ क्या नहीं किया, बावजूद इससे कहीं फंसे नहीं वो, तो फिर एक गलत केस करके उनको फंसाया गया और उसके बाद उनकी सदस्यता ली गई, उनका घर छीन लिया गया। अब उसके बाद बीजेपी के सारे नेता ने सारे हथकंडे अपनाए, सारे हमले किए, लेकिन विपक्ष उनके साथ आके गोलबंद हो गया, एक अच्छा मौका मिला उनको। तो ये जो आपने कहा कि राहुल ने बिगाड़ दिया भाजपा का खेल, इसको हम की बात कही है, मरना भी चाह रहा था। राहुल गांधी ने एक और बड़ा काम किया है कि देश में जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको दो धड़े में आने पर मजबूर कर दिया है। आप तानाशाही के साथ हैं या आप लोकतंत्र के साथ, आपको ये तय करना पड़ेगा। इसलिए जो तमिलनाडु में जो कई पार्टियों का संगठन वहां, कई पार्टी के लोग वहां जमा हो गए और उन्होंने तय किया कि भाई आप ब्लैक एंड व्हाइट रहिए, आप ग्रे शेड में नहीं रहिएगा, वो राहुल गांधी की ही कोशिशों का नतीजा है कि इस तरीके से उन्होंने सारी चीजों को लेकर के लोकतंत्र पे लगातार बात की और मोदी जी पे, अडानी पर, दोनों पर अपना हमला कभी छोड़ा नहीं, और जितनी भी गलत नीतियां रही सब पे उन्होंने विरोध जताया और एक ऐसे नेता के तौर पर खड़े हो गए जो जनता के साथ खड़ा नजर आता, जिसके पास कोई ताकत नहीं है कहने को, सत्ता ने तो सारे ताकत हथिया लिए, इवन समझ लीजिए कि जुडिशियरी, इवन समझ लीजिए कि पत्रकारिता, पूरा मीडिया का हमेशा क्या रोल रहा, मीडिया जो है जनता के साथ रहती है, मीडिया जो है विपक्ष के साथ खड़ा होता है। लेकिन देश पहली बार ऐसा हुआ कि पूरा का पूरा सत्ता के साथ जाके खड़ा हो गया और सत्ता के लिए आगे जाकर के बैटिंग करने लगा, वो ढोल बजाने लगा, वो लोगों को बुलाने लगा, इस तरह का माहौल बना दिया। और अभी देखिए कि एक और अभी मैं पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले कि आईटी मिनिस्ट्री जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री जो भारत सरकार की है, उसने एक नया अभी चेकर जो है वो बना रहे हैं, वो फैक्ट चेकर जो है कमिटी बनाएंगे और वो फैक्ट चेक करेंगे और जो सोशल मीडिया के जो 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 बाक है, जो ट्विटर है, जो फेसबुक है, जो यूट्यूब है, उनको कहेंगे कि ये न्यूज जो है या आ रही है वो गलत है और इसको आप बैन कीजिए, इसको हटाइए अपने पूरे लिंक से। तो मतलब ये दिख रहा है कि सोशल मीडिया पे कंट्रोल करने का रास्ता बना रहे हैं वो, और सरकार ये तय करेगी कौन न्यूज सही है, कौन न्यूज गलत है। तो समझिए कहां लेके जाना चाह रही है बीजेपी। तो इस बार ये है कि अगर इस बार हम चूके, तो चूंकि एक समझ लीजिए कि जैसा कहा कि अभी मोदी और शाह के अलावा बीजेपी में कोई नेता नहीं है, सेकेंड पीढ़ी तो है ही नहीं उनके पास, जो बीजेपी वाजपेयी जी के समय थी, दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी हुआ करती थी, आज तो कोई दूसरी पीढ़ी है ही नहीं, एक नेता है उसका नाम है मोदी और मोदी का एक ढाल बने हुए हैं अमित शाह, बाकी कोई तीसरा नेता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर बीजेपी पटकनी खाती है तो उनको पता है कि बहुत दूर जाकर के गिरेंगे और जनता की नजर में उठने में बहुत वक्त लग जाएगा। अब ऐसे में जबकि अडानी को लेकर के, या कहिए कि जो प्रधानमंत्री की डिग्री है उसको लेकर के, या कहिए कि सोशल मीडिया पे जिस तरह से विपक्ष का साथ लेकर के खड़े हो गए सोशल मीडिया पे ढेर सारे पत्रकार, जो पत्रकारिता के रीढ़ बने हुए हैं या जो पत्रकारिता को रीढ़ वाले सब्जेक्ट मानते हैं, वो सारे लोग अगर वो फैक्ट चेकर जो है संस्था बना करके, कमेटी बना करके और उस तरह काम शुरू किया, तो जाहिर है उस पर अंकुश लगाने का काम बीजेपी करेगी, ऐसा निकट भविष्य में मुझे दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मैं एक बात और कहूं कि आप कितना बिगाड़ लो आप, लेकिन जब जनता में ये मैसेज चला जाता है कि आप भ्रष्ट हो, जनता में ये मैसेज चला जाता है कि आप तमाम संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हो, सत्ता के संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हो, हिंदू मुसलमान कर रहे हो, विकास के नाम पे शून्य हो, और जब जनता देख रही है कि महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसानों की आय दुगनी करनी थी, देश में शौचालय ढेर सारे बनाए थे, शौचालय कितना बड़ा घोटाला है अपने आप में, बहुत बड़ी बात है, इस पर जब जांच होगी तो चीजें पता चलेगी। फिर देखिए कि अभी जो है मनरेगा को लेकर के जिस तरह से बजट कम किया गया है, तो मनरेगा के लोग भी आंदोलन करने लगे हैं, शिक्षा में बजट किया गया है, उसमें आंगनबाड़ी में कम किया गया है, तो तमाम जगहों पर ये लगाया जा रहा है। और लगातार जिस तरह से महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी खत्म हुई और बेरोजगारी बढ़ी, और जो है उसके बाद आप देखिए कि हिंदू मुसलमान जिस तरह से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि हिंदू मुसलमान हो, लेकिन विपक्ष इस बार तन के खड़ा है कि हम अपना पाला चुन चुके हैं और जनता को अब और बेवकूफ नहीं बनाने देंगे सत्ता पक्ष को, और जिस तरह से लोकतंत्र को खत्म करने की बात कर रहे हैं, ये सबको अंदेशा है, सबको समझ में आ गया है। जिस तरह से नड्डा ने कहा था कि
रीजनल पार्टियों की अगर, लेकिन मैं खाली रीजनल पार्टियों की बात नहीं है, ये साबित कर रहा है जिस तरह से ये अमित शाह और मोदी देश को चला रहे हैं कि देश जो है लगातार तानाशाही की तरफ बढ़ रही है, हिटलर शाही की तरफ बढ़ रही है। जिस तरह से कोलोजियम को लेकर के किरण रिजिजू ने आरोप लगाया है और लगातार हमला किया है जुडिशियरी पे, जिस तरह से रिटायर्ड जजों को कहा है कि एंटी नेशनल है इसमें ढेर सारे लोग, तो ये तमाम चीजें ये बता रही है कि ये तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं। और अगर 2024 में अगर सारा विपक्ष जमा नहीं हुआ तो फिर लोकतंत्र संविधान बचेगा नहीं, ये मैं कहना चाहूंगा।